हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्विक बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेल्दी क्लब सैंडविच के साथ। क्लब सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप श्रेडेड कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, एक चौथाई कप यहाँ पे लिया है मैंने खिसा हुआ गाजर, साथ ही में मैं ले लूँगी कैप्सिकम जो है एक चौथाई कप, मैंने पतला पतला काट लिया है इसे। आप चाहें तो यहाँ पे कलरफुल बेल पेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है कटे हुए टमाटर और प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच मेयोनीज का। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है घर पे तो मेयोनीज की जगह हंग कर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़ा चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटो केचप। साथ ही में ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जैसे कि आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ऑरिगैनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स और नमक स्वादानुसार। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साइड में रख देंगे ढककर। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 स्लाइसेस ब्रेड के। मैंने यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर जो नॉर्मल सादा वाला ब्रेड आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बटर लगा के इसे हम ग्रिल कर लेंगे दोनों तरफ से। आप चाहें तो आप टोस्ट भी कर सकते हैं, ग्रिल करने से बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। उसी ग्रिल पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और यहाँ पे हम पनीर के पीसेस को भी ग्रिल कर लेंगे। पनीर को यहाँ पे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर बस आधा मिनट के लिए पका लेंगे और फिर हम इसे पलट देंगे, वरना हमारे पनीर के पीसेस एकदम हार्ड हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो। दूसरी तरफ से भी ग्रिल मार्क्स आने का वेट करेंगे और तब तक हम इसके ऊपर छिड़केंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है, नमक और चिली फ्लेक्स। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारे पनीर के पीसेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रिल हो चुके हैं, मैंने प्लेट में निकाल के रख लूँगी। और साथ ही में मैंने यहाँ पे टमेटो के स्लाइसेस किए हैं, कुकुम्बर रख लिया है स्लाइसेस करके और ऑनियन के रिंग्स भी रख दिए हैं उसी प्लेट में। अब हम क्लब सैंडविच को असेंबल करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है फर्स्ट ब्रेड का स्लाइस, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप चाहे तो लहसुन की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर टमाटो केचप ही यूज़ कर लीजिए। उसके ऊपर मैं रखूँगी लेटिस का। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक बड़ा चम्मच भर के हमारा वेजिटेबल और मेयोनीज का मिश्रण, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे यहाँ पे मैं लगाऊँगी मेयोनीज का। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो ग्रीन चटनी लगा लीजिए, या फिर वो भी नहीं है तो इस पर भी टमाटो केचप ही लगा लीजिए। और हेल्दी ऑप्शन यहाँ पे चाहते हैं तो इसकी जगह जो बंदी हुई दही होती है हंकड़, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ कुछ कुकुम्बर यानी कि खीरे के स्लाइसेस। उसके ऊपर रख दूँगी मैं टमेटो के स्लाइसेस। हल्का सा हम इसके ऊपर छिड़केंगे नमक और काली मिर्च ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स है वो एकदम ब्लैंड ना रहे टेस्ट में। ऑनियन के रिंग्स रख दिया है इसके ऊपर और हमारे ग्रिल किए हुए पनीर के पीसेस रख देंगे। एकदम हल्के हाथों से आपको उठाना है पनीर के पीसेस को, क्योंकि ये काफ़ी पतले हैं और टूट सकते हैं। आइसबर्ग लेटस रख देंगे इसके ऊपर से और फिर इसे रख देंगे हम सबसे पहले वाले ब्रेड के ऊपर। अब हमारा जो लास्ट ब्रेड बचा है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ फाइनली टमेटो केचप। यहाँ पे हॉट एंड सॉर टमेटो केचप का इस्तेमाल किया है ताकि एकदम खट्टा मीठा तीखा सारा टेस्ट आ पाए, लेकिन आप सादा जो टमाटो केचप है वो भी चल जाएगा। यहाँ पे रख देंगे ऊपर से और हमारा जो क्लब सैंडविच है वो बिल्कुल तैयार है। बस मैंने यहाँ पे टूथपिक से सिक्योर कर लिया है ताकि हमारे सैंडविच के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर ना निकल पाए। अब बस इसे हम कट करेंगे और सर्व करेंगे। क्लब सैंडविच के बाद अब हम बनाएंगे एगलेस पालक ब्रेड ऑमलेट। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट करती है तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। एगलेस पालक ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है आधा कप बेसन और उसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप चावल का आटा। आप चाहे तो यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप पालक को हमने अच्छे से धो लिया था पानी में और उसके बाद एकदम बारीक चॉप कर लिया है, फिर इसमें ऐड कर लेंगे।
उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टमाटर ले लिया है, उसे भी अच्छे से धो के एकदम बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। साथ ही में इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने तो एक ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, 1 इंच का टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, जिसे ग्रेट करके इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद एक विस्क की सहायता से हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम स्मूथ बैटर हमें यहाँ पे तैयार करना है। आप चाहें तो दूसरे वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, जो भी आपके फ्रिज में पड़े हों। गाजर ऐड कर सकते हैं इसमें, मटर भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च अगर हो तो वो भी डाल दीजिए। 1/4 कप पानी मैंने और ऐड कर दिया है, यानी कि टोटल 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमें बैटर को बहुत ही थिक नहीं रखना है, एकदम पतला फ्लोइंग बैटर हमें चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप इनो, या फिर इसकी जगह आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसके ऊपर इनो को एक्टिवेट करने के लिए। देखिए कितना बढ़िया सा झाग निकल आया है यहाँ पे, और हमारा बैटर एकदम फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड में आप पैन चढ़ा दीजिए गर्म होने के लिए। इसमें हम बटर डाल देंगे थोड़ा सा, और बटर को हम अच्छे से पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने लो ही रखा है, वरना हमारा जो बटर है वो जल जाएगा। हल्का सा हमारा जो पैन है वो गर्म हो गया है। अब हम 2 बड़े चम्मच इसमें हम बैटर के डाल देंगे, और बैटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे पैन में। फ्लेम यहाँ पे गैस का लो ही रखिएगा। 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लीजिए, इसी तरीके से उलट पलट कर इसमें रख के साइड में एक प्लेट में रख देंगे हम। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइस का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब ब्रेड को पलटते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उस गड़बड़ को रिपेयर कर लेंगे वापस से थोड़ा सा बैटर डाल के उसमें। अब इसके ऊपर 2 ब्रेड के स्लाइसेस और रख लेंगे, और फिर इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे लगभग 1.5 मिनट के लिए। 1.5 मिनट बाद हम ढक्कन उठा लेंगे और फिर ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर इस रेसिपी में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए, कम ज़्यादा जितना भी आपको चाहिए। हल्का सा हम ऑयल स्प्रेड कर लेंगे हमारे बेसन के बैटर के ऊपर, और फिर एकदम हल्के हाथों से इसे हम पलट लेंगे। पलटने से पहले ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नीचे का साइड है ऑमलेट का, वो अच्छे से पक गया है। अगर वो अच्छे से पका नहीं होगा तो ये ऑमलेट का पूरा कबाड़ा हो जाएगा लिटरली। उसके बाद जो फर्स्ट 2 ब्रेड के स्लाइसेस हमने लिए थे, डिप किए थे बैटर में, उसे रख देंगे इसके ऊपर। और अब जो नीचे वाला हिस्सा है हमारे ऑमलेट का, उसे पकने देंगे लगभग 1 मिनट के लिए। आप चाहें तो इस 2 ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर और बटर ऐड कर सकते हैं, या फिर तेल या घी भी ऐड कर सकते हैं। फिर से हम हल्के हाथों से इसे पलट लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे ब्रेड में, बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुका है ये। अब यहाँ पे हम चीज़ ऐड कर रहे हैं। मेरे पास चीज़ स्लाइस नहीं था, इसलिए मैंने ग्रेटेड चीज़ डाल दिया है। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अब साइड से जो ऑमलेट का पार्ट है, उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। इस ऑमलेट को मैंने हाई फ्लेम पर ज़रा भी नहीं पकाया है, इसलिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से पक कर एकदम क्रिस्प हो जाए। अब टोटल यहाँ पे 4 ब्रेड है, तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस को हल्के हाथों से फोल्ड कर लेंगे और सबको एक साथ ले आएंगे। थोड़ा सा बटर मैं इसके ऊपर फिर से डाल दूंगी, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो यहाँ पे हमने 4 ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है, और साथ में है स्पिनच ऑमलेट। अब मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है, और इसी तरीके से हम पलट कर इसे पका लेंगे, जब तक कि दोनों साइड बहुत अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। तो फाइनली हमारा जो ऑमलेट है वो तैयार हो चुका है। आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर के लंच में सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी, यमी और फिलिंग ब्रेकफास्ट है ये। बच्चों को तो इसमें पता भी नहीं चलेगा कि ये पालक सर्व किया गया है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ है, इसलिए टेस्ट भी एकदम सुपर हिट है। तो आप भी ट्राई कीजिए एकदम झटपट बनने वाले ब्रेकफास्ट की रेसिपी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।